गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैथ का चैप्टर थर्ड चल रहा है, सब्ट्रैक्ट, और 3.4 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। लेट्स डू 3.5। इसमें देखिए बच्चे, ऐड के सम दिए गए हैं हमें। हमारा चैप्टर है सब्ट्रैक्ट का, बट ऐड के सम दिए गए हैं। तो इसमें देखिए कितने स्टेटमेंट दी गई हमें, 1, 2 एंड 3। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ बच्चे, ओके। 3 आपको स्टेटमेंट दी गई है। तो अब इसमें बोला गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन फैक्ट्स, कि जो एडिशन किया गया है, राइट टू सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स, कि उनके लिए 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स लिखिए। तो उनके लिए सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए थर्ड को उठाएंगे, थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारी उसको लिखेंगे हम सबसे पहले, ओके। फिर उसमें से हम फर्स्ट स्टेटमेंट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सेकंड स्टेटमेंट। आप इसको माइनस करके देखिए तो हमारा आंसर ये आएगा, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट ही लेंगे और उसमें से सेकंड स्टेटमेंट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 128। पहले बच्चों इसको रफ कॉपी पे करके देखें कि लास्ट वाले नंबर को उठाओ, उसमें से फर्स्ट को माइनस करो तो आपका आंसर क्या आता है। आंसर अगर आपका कुछ और आ रहा है तो आपका सम रॉन्ग होगा, ये सेम आंसर आएगा आपका। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चे, पर इट मे बी इजी इफ यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से इजी हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये हमारा थर्ड। थर्ड को लिखेंगे फर्स्ट की जगह, देन माइनस फर्स्ट, आंसर विल बी 526। फिर हम लिखेंगे फिर से देखिए, हमने थर्ड को सबसे पहले लिखा है, इस जो आंसर आता है हमारा उसको पहले लिखते हैं, फिर फर्स्ट नंबर को लिखेंगे, फिर सेकंड को, एंड आंसर विल बी, व्हाट विल बी आंसर, 428। इनको आपको रफ कॉपी पे करके देखना है, फिर फेयर कॉपी पे करना बेटा, ये 2 सम्स आप खुद करेंगे। आज के लिए बस यही आपका होमवर्क है, ये दोनों, ये फर्स्ट सम के 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4। इन 4 को आपको बुक में भी करना है और नोटबुक्स में भी, एंड हाँ जी रफ साइड पे इनको माइनस जरूर करके देखेंगे आप, ओके। हैव अ नाइस डे।